हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बयालीस सीने की वेस्टकोट की कटिंग करेंगे। इसकी लंबाई है 25, सीना है 42, कमर है 38, हिप है 39, तीर 18, कॉलर है 16। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि और वीडियो आप तक पहुंच सके। कपड़े को बिछाकर हम सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ से भी सीधा करेंगे। अब यहाँ से 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। और इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। लंबाई इसकी 25 है। अब यहाँ इंची टेप रख कर 25 लंबाई का निशान लगाएंगे। इसको स्ट्रेट कर लेंगे। मैं इसमें मार्जिन पीछे रख रहा हूँ नीचे की तरफ। ये हम सामना काटने के बाद इसको काट देंगे। मैं समझाने के लिए मैंने लगा दिया। अभी हम सीने का 1/4, 42 का 10.5 निशान लगा कर स्ट्रेट कर लेंगे। कमर का निशान लगाएंगे 16 इंच पर। इसको भी सीधा करेंगे। अब इस तरीके से हम बैक में शेप देते हैं। कमर तक सीधा स्ट्रेट निशान लगाएंगे। अब शेप फ्रंटी से इस तरीके से। बैक का शेप मैंने पिछली वीडियो में बताया है। जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकता है। मैं आई बटन में भी लगा दूंगा, उसमें भी जाकर देख सकते हैं। कॉलर का निशान लगाएंगे 3.25, जहाँ से हमने सेव दिया है। इस वाले निशान से नहीं, इस वाले निशान से 3.25 कॉलर का निशान लगाएंगे। तीरा रखेंगे हम 18 तीरा है इसका। 9 × 18 और 1/2 इंच प्लस मार्जिन। कंधे इसकी करेंगे 2.5 इंच। अब इसको सेफ फंडी से सेव देंगे इस तरीके से। हम तीरा नाप लेते हैं स्ट्रेट निशान से। वही यहाँ पर स्ट्रेट निशान से वही लगा देते हैं जो आया है आपका। और इसमें से 1.5 इंच माइनस करके इसको इस तरीके से शेप दे देते हैं। अब सीने का 1/4 लगाएंगे हम, 42 का 10.5 और 1 इंच मार्जिन। अब इसको शेप दे लेते हैं। कमर है इसकी 38, 38 का हम लगाएंगे 9.5 और 1 इंच मार्जिन के लिए। हिप है 39, 39 का 10.5 और 1 इंच मार्जिन। अब इसको शेप दे देंगे इस तरीके से, जिस तरीके से मैं दे रहा हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसको काट देते हैं। बैग तैयार है आपकी। आप चाहें तो बैग में मार्जिन रख सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। मैं इसमें मार्जिन रख रहा हूँ।
कपड़े को स्ट्रेट कर लेते हैं इस तरीके से। अब बैग को ऊपर रख कर इसको इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने रखा है, इसके सारे निशान उठा लेंगे। नीचे वाला निशान हम 1.25 इंच बढ़ती लगाने वाले हैं, पेस्टिंग वगैरह में कपड़ा सिलिंग हो जाता है। अब इसको सारे निशान स्ट्रेट कर लेंगे। सीने का निशान लगाएंगे हम, सीने का 1/4, 10.5 और 2.25 मार्जिन के लिए। कमर का निशान लगाएंगे हम 1/4, 9.5, 38 का और 2.25 मार्जिन, 39 सिर्फ है, 39 का 1/4, 2.25 मार्जिन के लिए। सेम दे देते हैं, जिस तरीके से हमने बैग में दिया था उसी तरीके से सामने में देंगे। पॉकेट का निशान लगाएंगे कमर के निशान से 3 इंच नीचे स्ट्रेट कर हम आगे से 3 इंच निशान लगाकर 5 इंच का पॉकेट रख देंगे। सीने का निशान लगाएंगे हम 10.5, 10.5 में 1/2 इंच माइनस करके कर देंगे। अब इस निशान को हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। अब इसको हम सीधा स्ट्रेट कर देंगे। अब कॉलर के हाले का निशान लगाएंगे 3/4 जो अपने बैग में लगाया था और 1 इंच प्लस कंधी गिराएंगे हम इसकी 2.5 इंच। इसको थोड़ा सा निशान लगा लेंगे, थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं बस। अब बैग को रखकर इस तरीके से निशान इसको उठाकर सेप दे देंगे इस तरीके से। 1.5 इंच यहाँ से हम पीछे की तरफ निशान लगाएंगे आर्म होल के सेप देने के लिए इस तरीके से, और इसको सेप दे देंगे। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें साइड चाक की बंडी का कटिंग बताई है, उसको ज़रूर देखिए और बताइए कैसी लगी आपको। इसका शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैंने 1.5 इंच सीने के निशान से नीचे तक दिया है। पॉकेट का निशान लगाएंगे हम यहाँ से 1 इंच पीछे की तरफ। अब हम वेस्टकोट में सेव कर लिया, हम यहाँ से 1.25 निशान लगाएंगे। यहाँ से लगाएंगे 2.5। आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं जहाँ से आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ 2.5 लगाने वाला हूँ, यहाँ 1.25। यहाँ से मैं 3 इंच लगाऊंगा। अब इसको सेप स्केल से इस तरीके से सेप दे देंगे। लंबाई आप नाप लें कि छोटी तो नहीं हो रही है, कभी कभी धोखा हो जाता, तो आप लंबाई ज़रूर नाप लिया करें। पेस्टिंग करने के बाद
लंबाई नापना बहुत ज़रूरी हो जाता है, कपड़ा कोई कोई बहुत स्लिम हो जाता है। मैं इसमें मार्जिन रख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से मार्जिन रख सकते हैं। ये आपकी भी बेस्कोट तैयार है, इसको काट सकते हैं। दोस्तों मुझे सपोर्ट करें मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, मैं आपको इसी तरीके से और बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आप बैक में मार्जिन भी रख सकते हैं, सामने में मार्जिन भी रख सकते हैं बैक की तरह। मैं यहाँ पर मार्जिन रखने वाला नहीं हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम सामना बैक के ऊपर रख के यहाँ से देखेंगे बैक कितनी बड़ी है और निशान लगाएंगे। इसको काट देंगे। मैंने बड़ी इस वजह से रखी थी दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बैक छोटी काट दें, तो इसलिए आपको समझाने के लिए मैंने बड़ी रखी थी। और ये तरीका ज़्यादातर अच्छा ही होता है।